जब भी सुनते हैं वो नाम हम सबके लिए एक ऐसा नाम है कि आचार्य महाराज से लेकर के बड़े बड़े संतों तक जिन्होंने धर्म ध्यान किया है और जिनके साथ धर्म साधना की है, और उस विद्वान के माध्यम से देश में जिनवाणी का भी मान बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने उस आत्म साधना के माध्यम से अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाया है। तो उन शास्त्री जी के परिवार में एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो खुद भी विद्वान बने और वर्तमान में राष्ट्रपति पुरस्कार से जिन्हें सम्मान भी अपनी लेखनी के लिए प्राप्त हुआ। नई दिल्ली से आए आदरणीय प्रोफेसर अनेकानंद कुमार जी जैन, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में जैन दर्शन के आचार्य हैं। बहुत बड़ी भूमिका देश में इन विद्वान की है। आइए, वो विद्वान दिल्ली से सिर्फ इसलिए आए कि दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं माताजी के चरणों में बैठकर उनका गुणानुवाद करूं, इससे बड़ा अवसर मुझे और क्या मिलेगा। तो मैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम सब और अधिक व्यवधान न बनते हुए आगे के क्रम में बढ़ेंगे, पर उससे पहले आमंत्रित करेंगे आदरणीय पंडित जी साहब प्रोफेसर अनेकानंद कुमार जी जैन साहब को कि वो आज के इस अवसर पर अपने विनयांजलि के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से हम सबको पूज्य माता जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का दर्शन भी कराएंगे, धर्म का दर्शन भी कराएंगे, और उसके साथ साथ हम सबको आज के दीक्षा दिवस से जुड़ेंगे। तालियां जरूर बजाइए ताकि वक्ता को लगे कि विद्वान आपसे सीधा जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। धम्मो मङ्गलमुक्केट्टं अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयाणो। बोले देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की। धर्म प्रेमी सभी महानुभाव, आज आप सभी को पता है हम किस प्रसंग में यहां उपस्थित हुए। थोड़ी देर में आज का जो हमारा मुख्य आयोजन है और उसका जो प्रयोजन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करूंगा। आप थोड़ी देर धैर्य पूर्वक इसको सुनिए, क्योंकि प्रायः होता है कि हम आयोजन में प्रयोजन को भूल जाते हैं। असली प्रयोजन क्या है उसको हमको समझना बहुत जरूरी है। और आज इस परम पावन दिन पर जब एक मुमुक्षु बैरागन ने संसार के सभी भोगों का परित्याग करके जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया है, ऐसे उस परम दीक्षा दिवस को आज हम यहां मनाने के लिए उपस्थित हुए। अभी आपने बहुत सुंदर कथा चित्रण के माध्यम से पूज्य माता जी के संपूर्ण जीवन चरित्र को यहां देखा। उसके पूर्व मुरैना विद्यालय के बच्चों ने भी बहुत सुंदर आज सोशल मीडिया वाली प्रस्तुति दी। आपको एक घटना सुनाता हूं। मैं विश्वविद्यालय में जैन दर्शन पढ़ाता हूं और वहां पर अनेक मुमुक्षु भाई बहन भी पढ़ने आते हैं। कोई ब्रह्मचारी होता है,
कोई मुमुक्षु होता है, कोई त्यागी व्रती भी होते हैं, और हमने जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाया है उस विभाग में पढ़ करके भी दीक्षा लेने वाली ऐसी आरिका माता जी विराजमान, जिन्होंने जैन ग्रंथों का स्वाध्याय किया। बंधुओं, एक दिन एक विद्यार्थी जो बहुत भावुक था और जिन धर्म पर श्रद्धा रखता था, उसने कहा कि गुरुजी मेरे दीक्षा के भाव हैं और मैं दीक्षा लेना जानता हूं, आप मुझे सलाह दीजिए कि मुझे दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं। तो मैंने उससे कहा कि जब तुम सलाह ले रहे हो तो मैं तुम्हें मना करूंगा कि तुम दीक्षा मत। तो उसने कहा ये क्या कह रहे हैं आप, आपको तो प्रेरणा देना चाहिए कि दीक्षा लो और आप कह रहे हो दीक्षा मत लो। आपको भी सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, मैंने उससे कहा कि जिसको इस संसार से वैराग्य हो जाता है, इस संसार की क्षणभंगुरता का वास्तविक भान हो जाता है, वो किसी से सलाह लेने नहीं जाता है कि मुझे दीक्षा लेनी चाहिए नहीं। तुम उससे सलाह ले रहे हो इसका मतलब तुम्हारी आंख कानी है, इसका मतलब आप समझे, माने तुम्हें अभी एक आंख से ही धर्म दिखलाई दे रहा है और एक आंख से संसार में सुख दिखलाई दे रहा है। अगर तुम्हारी दोनों आंखें खुली होती तो तुम ये प्रश्न मुझसे नहीं करते। फिर मैं उसने जब कहा आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तो आपको मालूम है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा मैंने उससे क्या कहा। ये बच्चों की नाटिकाएं देख रहा था, तब मुझे भाव आया कि मुझे बात आपको बतानी। मैंने कहा अच्छा दीक्षा लेना है तो दीक्षा लेने का थोड़ा अभ्यास करना प्रारंभ। तो बोले क्या करना चाहिए। मैंने कहा पहले एक हफ्ते अपना मोबाइल छोड़ करके बताओ, फिर मुझे लगेगा कि तुम दीक्षा के अधिकारी हो। यहाँ तो दीक्षा लेने के बाद भी मोबाइल नहीं छूटता है, और दीक्षा लेने के पहले मोबाइल छोड़ के बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया। इतनी अधिक आसक्ति। बंधुओं, आज जिस बात को हमें गंभीरता से समझना है, आज दीक्षा दिवस मनाने का प्रयोजन क्या है, आखिर हम मनाना क्यों चाहते हैं। एक वैराग्य को धारण करके जिन मार्ग पर इस संपूर्ण संसार से विरक्त होकर के आत्मानुभूति के मार्ग पर एक तपस्विनी चल रही है और हम उनका उत्सव मना रहे हैं, और उनके उत्सव मनाने के पीछे हमारा ये प्रयोजन होना चाहिए कि हम भी इसी तरह से संसार से मुक्त होकर के जिन दीक्षा धारण करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज के दिन हमें वैराग्य की प्रेरणा लेना चाहिए। जिस मार्ग पर आरिका माता जी बढ़ी हैं, अगर उनका दीक्षा दिवस मनाने के अवसर पर संयम की इच्छा का एक अंश भी हमारे अंदर जाग गया, तो दीक्षा दिवस मनाना सफल हो जाए। आज आ जाओ कि दीक्षा जिनागम में दीक्षा किसको कहा जाता है। आचार्य कुंद ने बोध पाहुड़ ग्रंथ में बहुत सुंदर लिखा है, ऋग्गंध मोह मुक्का बावीस परिशहा जे कसाया, पावारंभ विमुक्का पविज्जा एरी साभणी। वो कहते हैं कि गृह और परिग्रह और उसके ममत्व से जो रहे थे, परिशय और कषाय को जिसने जीता है और पापारंभ से जो रहे थे, ऐसी दीक्षा जिन देव ने कही। आगे वो कहते हैं सत्तु मित्रे असमा पसंसडिता अलधिलद्धि समा तणकयेण संभावा पवज्जा एरी साभणी। आप देखिए कितना सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। वो कहते हैं जो व्यक्ति शत्रु और मित्र में, प्रशंसा और निंदा में, लाभ और अलाभ में, और उत्तीर्ण और कंचन में समभाव रखता है, ऐसी दीक्षा को दीक्षा कहा जाए, और इसी दीक्षा का पुरुषार्थ परम पूज्य आरिका माता जी ने किया है।
आप देखिए उनकी निष्प्रहता, मैंने साक्षात अनुभव की है। जब मैं विद्यार्थी अवस्था में था तो एक बार परम पूजनीय आरिका सुपार्श्वती माता जी नागौर में विराज रही थी और वहां पर उन्होंने तत्व चिंतन संगोष्ठी रखी। मैं उनके पास सुनने के लिए गया और सभी विद्वानों के बीच में मैंने कई प्रश्न किए तो अंत में माता जी ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि 6 महीने बाद मेरे स्वप्न में माता जी आई और वो कहने लगी इसको आगे आने दो, मेरे पास आने दो। जब ये स्वप्न आया तो मैं तुरंत माता जी के पास दर्शन करने गया और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये कोई संकेत होते हैं। इसी तरह परम पूज्य आरिका माता जी जब हरिद्वार में चातुर्मास कर रही थी, मैं समझता हूँ 2004 या 5 की घटना है, 4, और वहां आपने तीर्थंकर ऋषभदेव पर एक बहुत विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया था और उसमें बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। मैं सबसे छोटा एक विद्यार्थी के रूप में मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए और माता जी ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज भी कहीं से भी सूचना मिलती है और मुझे पता लगता है तो मेरे मन में माता जी का वो ममत्व स्मरण हो जाता है जो माता जी ने अपने भावों से अभिव्यक्त किया था। आप देखिए बहुत सारी बातें हैं, आज आपने जीवन चरित्र के माध्यम से परम पूज्य माता जी का जीवन कैसे बीता, उन्होंने किस तरह से शिक्षा को धारण किया और इस संसार के प्रति कैसे क्षण भंगुरता का अनुभव किया, इसका साक्षात दृश्य आपने देखा है। आज प्रातः काल पूज्य माता जी के चरणों में बैठकर कुछ चर्चा हो रही थी और उस चर्चा में एक बात निकल करके आई। हमारे आदरणीय आर के जैन साहब जो कलेक्टर हैं वो भी उस समय विराजमान थे, डॉक्टर सुनीता जी भी विराजमान थी। उस समय एक चर्चा ये आई कि हम लोग जैन धर्म, आपको मालूम है भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है, हम लोग आपस में तो जैन धर्म की चर्चा करते हैं और एक दूसरे को सिखाते भी हैं, सभी मुनिराज, सभी आरिका माताएं, सभी विद्वान, सभी लोग एक कार्य करते हैं, लेकिन एक कार्य ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे जो अजैन बंधु हैं उनके अंदर भी जैनत्व के संस्कार जाने चाहिए, उनको भी जैन धर्म का ज्ञान होना चाहिए। भगवान महावीर ने धर्म सिर्फ जैनों के लिए नहीं सिखाया था बल्कि संपूर्ण जीव राशि को यह धर्म सिखाया, और जब संपूर्ण जीव राशि के लिए धर्म सिखाया था तो हमारे सभी बंधुओं को इस धर्म को समझने का अधिकार है। आज उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि एक टीम का गठन किया जाए और इस टीम का उद्देश्य होगा कि हम अपने अजैन बंधुओं को जैन धर्म सिखाएंगे और उस टीम में जो जो भी शामिल होना चाहता है वो हमारे साथ आ जाए। आज दीक्षा दिवस के दिन उस टीम की घोषणा की जा रही है। उस टीम में सबसे पहले हमारे दो सदस्य जो बन चुके हैं, मैं उनके नाम बताता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर सुनीता जी थी, फिर हमारे श्री रवि कांत जी जैन साहब कलेक्टर साहब, एक मनीष जी नगवार वाले जो शिक्षा बोर्ड से संबंधित हैं, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमें एक अभियान माता जी के आशीर्वाद से चलाना है कि हम अजैनों के मध्य में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे। आज के इस दीक्षा दिवस पर हम सभी को ये संकल्प करना है। बोलिए आप संकल्प कर रहे हैं? एक बार संकल्प कर रहे हो तो हाथ उठा करके आश्वासन दीजिए कि हम महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे। और पूज्य माता जी ने अपने जीवन में जो कल्याणकारी कार्य किए हैं वो आप सभी को पता है, लेकिन मैं
कुछ ऐसी बातों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। आज यहां एक स्टॉल लगा है, मैं कुछ देर वहां पर भ्रमण कर रहा था, ग्रंथों को देख रहा था। मैं माता जी के लगभग सभी ग्रंथों को देख चुका हूं, और जब भी मैं स्टॉल पर जाता हूं मुझे चार पांच नए ग्रंथ दिखलाई देते। माता जी सिर्फ माता जी नहीं है बल्कि सरस्वती की पुत्री है, जिनके हाथ में सरस्वती का वरदान है, जो लेखनी लिख ली जाती है तो लिख ली चली जाती है। ये आज के युग का महान आश्चर्य है। तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपनी दो पुत्रियों को शिक्षा दी थी, ब्राह्मी और सुंदरी, इन दोनों को विद्याएं सिखलाई थी। लेकिन आज के समय में एक आरिका माता जो लगातार लेखन कार्यों से हमारे बीच में जिन वाणी की सेवा निरंतर कर रही हैं, वो अद्भुत कार्य है। आप सभी को बताऊं, हम लोग जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं, और जिनेंद्र भगवान की पूजन भी करते हैं, विधान भी करते हैं। अभी तक माता जी ने 40 विधानों का संग्रह किया, 40 विधान अपनी लेखनी से, रचना के माध्यम से, अपनी काव्य कला के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के प्रति उन्होंने समर्पण किया है। और इसी तरह 15 ग्रंथ आपके काव्य रूप में प्रकाशित हैं। आपने 22 पूजन संग्रह का लेखन किया है, और इसी तरह गद्य लेखन के क्षेत्र में आपने 11 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। ये जिनवाणी के क्षेत्र में आपका अभूतपूर्व योगदान है। आज के इस दीक्षा दिवस के अवसर पर हम ये कामना करते हैं कि आप इसी तरह मां जिनवाणी की सेवा करती रहे हैं, जिन धर्म का मार्ग प्रशस्त करती रहे हैं, और सभी भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाती रहे हैं, और स्वयं उसी पथ पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले शांतिनाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर अनिकांत जैन साहब।